हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का एक न्यू व्लॉग में। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? सारे कमेंट में लिख देना। जस्ट मैं खेल के अभी कर रहा हूँ क्योंकि उठता है मैं प्रिंसिपल आना गया था खेलने आने के, फोन भी आ गए थे बोले ऐसे खेला गए। मैं 9:30 उठा था, 9:30 सारे जा गए थे, तो मैं सीधा उठता है मुँह धोंदा है जूते पहनते खेलने भी के, जस्ट थोड़ी देर पहले खेल के आए हैं और आते ही मैंने जूते जाते बदल के थोड़ी देर रेस्ट करके पसीने सूख के हैं। अब हम खा रहे खाना। चलो खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे गाइस। गाइज खाना खाने के बाद थोड़ी देर में सो गया था, थोड़ी देर उठने के बाद फिर थोड़ा बहुत फोटो शूट कराए थे। वैसे ही मैं तो सोता पड़ा था, सुनी आ गया, सुनी ठहर के ले गया और उड़ ले चल फोटो शूट करके आए, फोटो शूट करके आए के और आके बैठा मैं थोड़ी देर। थोड़ी देर आज समझ नहीं आ रहा यार, अजीब सा दिन है ना, दिन मनहार अगला और अजीब सा फील हो रहा है ना। मेरा शाम न खेलना जी करता, मैं जाके खेल आवा, पर कोई नहीं, तो थोड़ी देर खेत में जाए क्या, खेत में जाए पस मन अड़का हो जाएगा या फिर और कुछ हो जाएगा, तो फिर खेलने की देखा जाओ को जाने। तो सबसे पहले खेत में चलते हैं, वैसे ही घूम के आते हैं। A few moments later. गाइज जस्ट खेत में पहुंच चुका हूँ। मेरा तो मन था कि वैसे ही मतलब थोड़ी देर घूमाएंगे, गर्मी में खेत में जाएंगे तो अच्छा मूड हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अजीब सा फील हो रहा है, दिन भी अजीब सा ही लग रहा है। तो मैं निकला, जिस घर से निकल ही रहा था तो पापा जी आ गए। पापा जी बोले कि कहाँ जा रहा है? मैं खेत में बैठ गया हूँ, खेत में जावे है यार अली, ये उड़ता तीर मतलब जिप चुका है, मतलब जिप तो क्या गया, माँ थोड़ा देर टाइम पास भी हो जाएगा, अरे काट ले आएंगे। तो आज आ चुके हैं, अपनी मशीन तो छोटी है, जो मैं काटने में मैं 2 घंटे लग जाऊँ, अपने मैं और किसी का तो लाऊंगा कैट के, क्योंकि मैंने खेलने भी जाना है, थोड़ा ही टाइम है। पापा जी बोले और किसी कैट ले फिर चलती है जी, ये अपने ही है मतलब काका ताऊ में है, तो इसे काट लेते इसको और फिर चलते हैं घर, क्योंकि खेलने भी जाना है, टाइम से पहुंचना है। हाँ हाँ एक ताऊ हो वे आजे रेवर रामचंद्र रह गया था सुन से रे प्राव पकड़ी वाला था। सीधा सीधा करो, सीधा दे दो दे दो। शाम आ जा भाई, बैठ जा यार, एक कुर्सी और लगाओ जी। साहब पुराना वापस आ जाओ, लंगर वाले दिन जय साहब प्रदीप जी आ जाओ, चले आ गए सब पूरी गली में। हमारे बहुत ही एक्टिव एक्टिव इसलिए कहा है मैंने कि जब भी मैंने रमेश जी को फोन किया कि मेरे गिराए गांव में ये समस्या है, तो इनने 1 सेकंड में जवाब दिया, सर सवेरे ही समस्या का समाधान हो जाएगा। कभी भी कोताही नहीं करी काम करने में, जब भी इनको जो कहा, अगर मैंने ये कहा कि कल सवेरे 9 बजे मैं गिराए आऊँगा और आपने आगे मिलना है, तो ये 8 बजे गिराए पहुँचे। ये सच्चाई है, मैं इनके मुँह पर तारीफ नहीं कर रहा। तो ऐसे एक्टिव अधिकारी अगर हमारे सारे हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारा देश का, हमारे प्रांत का बहुत बड़ा कल्याण हो जाए। तो ऐसे हमारे अधिकारी रमेश जी उपस्थित, अगर मैं एक का नाम लेऊंगा ना तो फिर बाकी रह जाएंगे, किसी का नाम नहीं लेता मैं, ठीक है ना। सारे ग्रामवासी, मेरे बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, आज आपने यहाँ हमें बुला करके हमारा मान सम्मान किया। जो काम, जिस काम के लिए आपने मान सम्मान किया, ये काम हमने कोई आपके ऊपर एहसान नहीं किया, ये हमारी ड्यूटी है। आपने अपना वोट देकर
इसी काम के लिए आपने हमें विधानसभा में भेजा कि आपकी दुख तकलीफ कोई भी हो। जब मुझे पता लगा रात को कि सवेरे गिराए में पानी भर गया, मैंने फौरी तौर पे एक्सीएन साहब को फ़ोन किया, इनकी पूरी टीम, एसडीएम साहब और जितने अधिकारी, बीडीओ, सब अधिकारी और मैं खुद भी, मैंने विजिट किया पूरे, सारा चारों ओर देख के आया, पानी से भी गया, बाहर भी देखा सारा, और मैंने उसी टाइम आदेश दिए। अच्छा, प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, धन्यवाद आपका। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, द नेक्स्ट मॉर्निंग। गाइस सबसे पहले गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी, सारे कमेंट में लिख देना। मैं कल शाम खेत में आते ही उस साइड चला गया था, क्योंकि विनोद बैना जी आए हुए थे, उनकी कुछ मीटिंग थी, गाँव वालों ने बुला रखा था आपके समस्याओं के लिए, और साथ में उद्घाटन भी कराना था, क्योंकि गांव में बारिश होने के बाद पानी मतलब खेतों में भर जाता था, जिससे हर बार फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो उसके सोल्यूशन के लिए विनोद बैना जी ने पानी निकासी के लिए एक मोटर लगवाई थी बोर्ड बटी, तो वो कल उसका सारा सब कुछ रेडी बन के कुछ दिन पहले ही रेडी हो गया था वहाँ, तो उसका आज कल उद्घाटन था, उसके लिए आए हुए थे, उन्होंने थोड़ा बहुत काम और था तो मैं वहाँ चला गया था। वहाँ से आते ही छोटी बेबी के साथ खेलते ही मैं सो गया, क्योंकि मैंने आज इशार जाना है, तो मैं ज़्यादा लेट करता नहीं। वो लोग को कहते हैं यहीं एंड, आपको मिलते गाइस एक न्यू व्लॉग के साथ, बाय गाइस, चेक किया।